उत्तराखंड में 2517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और 2024 में जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने उसके बाद में 3608 किलोमीटर हुआ है। जहाँ तक लेन का हिसाब है 284 किलोमीटर फोर लेन का निर्माण हुआ है, 510 किलोमीटर टू लेन प्योर शोल्डर का निर्माण हुआ है और करीब 560 किलोमीटर सड़क का मरम्मत कार्य जारी है। हम उत्तराखंड में अभी जो काम हमने किए, जो काम हमने मंजूर किए हैं और जो काम हम अभी कर रहे हैं उसकी कीमत 1,40,000 करोड़ रुपए हम उत्तराखंड पर खर्च कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इस साल में और 60,000 बढ़ाकर हम 2,00,000 करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम उत्तराखंड में बनाएंगे। और पुष्कर जी के उपस्थिति में मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तो उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय महामार्ग ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर होंगे, अमेरिका के बराबर होंगे, ये विश्वास आपको देता हूं। अल्मोड़ा से बागेश्वर कंडा बेरीनाग घाट 2000 करोड़ की लागत से हम 210 किलोमीटर टू लेन मार्ग बना रहे हैं। 125 किलोमीटर का काम जून 2024 तक शुरू हो जाएगा। 85 किलोमीटर का काम का डीपीआर बन रहा है। मानस खंड के प्रमुख मंदिर बागनाथ कटारमल सूर्य मंदिर पाताल भुवनेश्वर के लिए बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। अल्मोड़ा हिल स्टेशन और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है और इसके साथ साथ सिमली ग्वालधाम बैद्यनाथ मुनुसारी जौलजीबी ये 2,500 करोड़ की लागत से हम 290 किलोमीटर टू लेन मार्ग का डीपीआर बनना शुरू हो गया है और आने वाले 3-4 महीने में डीपीआर बनने के बाद इसका भी काम शुरू हो जाएगा। ये 2,500 करोड़ का काम हम कर रहे हैं। कुमाऊं क्षेत्र से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए बेटर कनेक्टिविटी यहाँ से हो जाएगी। मसूरी में 1800 करोड़ की लागत से हम 8 किलोमीटर टू लेन ट्विन टनल का काम करने जा रहे हैं। डीपीआर जून 2024 तक बन जाएगा और इसी 2024 में ये काम अवार्ड हो जाएगा, ये विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। इस टनल के निर्माण से शहर के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी। टनल बनने से पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों का समय भी काफी बचेगा। देहरादून से टिहरी के बीच 5,000 करोड़ रुपए की लागत से हम 35 किलोमीटर टू लेन टनल बना रहे हैं। इसका डीपीआर बनाने की शुरुआत हो गई है और जल्दी ये काम पूरा होगा। एक ही टनल 5,000 करोड़ की है। देहरादून में 7,200 करोड़ की लागत से 43 किलोमीटर फोर लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड का डीपीआर नवंबर 2024 में पूरा होगा और इसी साल देहरादून के रिंग रोड का काम शुभारंभ होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। हरिद्वार में 16 से 3 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर चार लेन ग्रीनफील्ड बाईपास अक्टूबर 2024 में बन जाएगा। रुद्रपुर में 1,051 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर चार लेन बाईपास का काम जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। काशीपुर से रामनगर जिम कॉर्बेट तक 472 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर चार लेन मार्ग का जून 2024 बन जाएगा। दिल्ली से मेरठ मुरादाबाद से जिम कॉर्बेट जाना आसान हो जाएगा। काठगोदाम से नैनीताल के लिए 710 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर टू लेन प्योर शोल्डर का मार्ग 2024-26 में बन जाएगा। दिल्ली से नैनीताल जाने वाले पर्यटकों की यात्रा सुगम हो जाएगी। कैंची धाम अल्मोड़ा की कनेक्टिविटी सुगम हो जाएगी। जो बहुत महत्वपूर्ण है कि टनकपुर से नेपाल सीमा में कंचनपुर तक 314 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर 4 लेन का काम सितंबर 2024 में पूरा हो जाएगा ताकि नेपाल के साथ उद्योग और व्यापार बढ़ेगा
और आपके क्षेत्र में युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा, यही इसके पीछे हमारा भाव है। इसी मार्ग के बनने से उत्तर प्रदेश से नेपाल के लिए कनेक्टिविटी हो जाएगी। घाट से अल्मोड़ा तक 1260 करोड़ की लागत से 90 किलोमीटर टू लेन का डीपीआर जून 2024 में पूरा होकर काम शुरू करेंगे। जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा तथा कटार देवी हिल स्टेशन में कनेक्टिविटी हो जाएगी। बद्रीनाथ से मानापास तक 574 करोड़ की लागत से 51 किलोमीटर टू लेन मार्ग का निर्माण अक्टूबर 2027 तक पूरा हो जाएगा। सरस्वती के उगम स्थल देवताल की कनेक्टिविटी सुधर जाएगी। जोशीमठ में 270 करोड़ की लागत से 6.3 किलोमीटर टू लेन प्योर शोल्डर बाईपास का निर्माण 2025 तक पूरा होगा, जिससे जोशीमठ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रुद्रपुर से काठगोदाम, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, कर्णप्रयाग तक 4500 करोड़ की लागत से 284 किलोमीटर टू लेन का डीपीआर दिसंबर 2024 तक बन जाएगा। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोड होगा कि मुरादाबाद से चार धाम यात्रा के लिए अतिरिक्त कनेक्टिविटी मिलेगी। मानस खंड के आदिबद्री, भवाली, रानीखेत जाना सुगम हो जाएगा। एलिफेंट कॉरिडोर के कारण फॉरेस्ट विभाग के द्वारा काम रुकवा दिया गया था। जिम कार्बेट के पास 30 करोड़ की लागत से 220 मीटर में धनगढ़ी ब्रिज का कार्य आरंभ कराया गया है और फरवरी 2025 तक वो पूरा जाएगा। रामपुर, काशीपुर आने जाने वाले को सुविधा मिलेगी। पनौद में 28 करोड़ की लागत से 175 मीटर लंबे ब्रिज का काम 2 साल में से रुका है, अब शुरू हो गया है, वो 2025 तक पूरा हो जाएगा। आदरणीय हमारे भट्ट जी ने मुझे मांग की है कि उधमसिंह नगर जिले में दिनेशपुर मतकोटा सड़क का डामरीकरण व चौड़ीकरण की 4 लेन करने के बारे में उन्होंने मांग की है। वो काम मैं CRF में करने की घोषणा कर रहा हूं और मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि विभाग से अभी आज मैं CRF में आपको 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त दे रहा हूं, उसमें ये काम डाल के आप जरूर भेज दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली से डेहराडून, अब ये उत्तराखंड की शक्ल ही बदल देगा। दिल्ली से डेहराडून इस साल दिसंबर के अंदर इसी साल में 2 घंटे में होगा, 2 घंटे में लोग अब डेहराडून में रहेंगे और दिल्ली जाएंगे काम करने के लिए, दिल्ली से वापस आएंगे। अभी मेरठ में मैं गया था तो लोग मुझे बता रहे थे कि पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 45 मिनट लगते हैं। अब मेरठ में जो लोग दिल्ली रहते थे वो मेरठ में अपने बंगले बनाए और दिल्ली जाने लगे, और लोग मुझे बता रहे थे कि एट कैनॉट प्लेस पर हम मेरठ से आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं और आते हैं। मेरा विश्वास है कि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 12000 करोड़ का है, 212 किलोमीटर 6 लेन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे है, और मेरा विश्वास है कि डेहराडून की अभी दूरी 235 किलोमीटर है, इस एक्सप्रेसवे से 23 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और समय केवल 2 घंटे में आपको जा सकेंगे। दिल्ली के अक्षरधाम से इसकी शुरुआत हो रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड है, काफ़ी काम हुआ है, इस साल दिसंबर तक ये काम हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का काम है, 12000 करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में एक लाइफलाइन के रूप में ये निश्चित रूप से बनेगा, ये मेरा विश्वास है। सबसे हमारे आस्था का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर के लिए टनकपुर से पिथौरागढ़ तक मार्ग बनाया जा रहा है। पिथौरागढ़ से घटिया बागढ़ होकर लिपुलेख तक सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। टनकपुर से लिपुलेख तक 366 किलोमीटर 5200 करोड़ रुपए लागत लगाकर हम ये काम कर रहे हैं। 234 किलोमीटर काम पूरा हो गया है, 36 किलोमीटर का काम चालू है, यानी 300 किलोमीटर का काम लगभग आने वाले 3-4 महीने में पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 125 किलोमीटर जो काम हुआ है, चंपायत में 10 किलोमीटर, लोहाघाट में 10 किलोमीटर, ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात है
कि कोटा, अमोड़ी, बस्तिया, गोट सहित 60 स्थानों पर जो लैंडस्लाइड होती है, लोग मरते हैं, हमने इसके लिए स्पेशल डिवीजन खोला है। अरब टेंडर ऐसा निकाला है कि लैंडस्लाइड होगी तो जिसने काम किया उसकी जिम्मेदारी होगी। मैंने स्विट्जरलैंड से टेक्नोलॉजी लाई और अब 60 स्थानों पर लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो जहां होता था उसमें हम अभी ये काम करेंगे और इसके लिए 355 करोड़ हमने दिए हैं। ये चार धाम योजना में विशेष रूप से टोटल 825 किलोमीटर की योजना है। 609 किलोमीटर सड़क का कार्य पूरा हुआ है। 72 किलोमीटर में सड़क में ब्रिज और टनल का काम तेजी से चल रहा है। 98 किलोमीटर के काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण थोड़ा सा नए अलाइनमेंट करके हम काम कर रहे हैं। शेष कार्य 2025 तक पूरा किया जाएगा। मेरी बहुत इच्छा थी कि इसी समय आचार संहिता लगाने के पहले प्रधानमंत्री से यात्रा कराए, पर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सुधार बताया उसके कारण ये करने में थोड़ी दिक्कत आई है। दिल्ली से बद्रीनाथ तक 10 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस के बाद ये समय और कम हो जाएगा, यानी देहरादून में 2 घंटे में आएंगे और वहां से बद्रीनाथ में 2.5-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक 3,800 करोड़ की लागत से 280 किलोमीटर में 238 किलोमीटर का काम पूरा हुआ। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि बीच में इस काम को मैंने स्टेट पीडब्ल्यूडी एनएच डिवीजन को दिया है, थोड़ा क्वालिटी के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि किसी भी हालत में हमारे देश की ये साधन संपत्ति है, हमारे देश के दुनिया के लोग इस रोड पे जाने वाले हैं, ये रोड की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इतना ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा। ऋषिकेश में 16 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड बाईपास बनाया जाएगा। इसका काम सितंबर 2024 में शुरू होगा। एलिफेंट कॉरिडोर और इको पार्क के कारण इसके अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक 115 किलोमीटर सड़क बन गई है। 23 किलोमीटर का काम सितंबर तक पूरा हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम के रास्ते पर करीब 1300 करोड़ की लागत से ऐसी 63 लैंड साइट्स हमने आइडेंटिफाई की है, वो आगे इसमें कोई संकट नहीं आएगा, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में भी 1300 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर हम काम कर रहे हैं, 58 किलोमीटर हो गया है। हाई पावर कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट की, उनके अनुमोदन के बाद बाकी काम हो जाएगा। केदारनाथ में 101 करोड़ के लागत से 5 लैंडस्लाइड स्पॉट को हमने आइडेंटिफाई किया है, उसको भी सुधारने का काम हो रहा है। ऋषिकेश से धराशू होकर गंगोत्री तक 3000 करोड़ की लागत से 230 किलोमीटर में 138 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। बाकी 45 किलोमीटर काम सितंबर 2024 में शुरू हो जाएगा और बाकी काम 2026 तक पूरा हो जाएगा। सुखी टॉप में 3 किलोमीटर बाईपास का काम सितंबर 2024 में शुरू हो जाएगा। गंगोत्री धाम के रास्ते पर 375 करोड़ की लागत से 30 लैंडस्लाइड जो पॉइंट्स है उसको भी सुधारने का काम हम कर रहे हैं। धराशू से यमुनोत्री तक 2500 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर हम रोड बना रहे, 31 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। पालीगढ़ से जानकी चट्टी तक 21 किलोमीटर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी का अनुमोदन मिलने के बाद 6 माह के अंदर वो पूरा किया जाएगा। डाबरकोट लैंडस्लाइड बचाने के लिए 3.5 किलोमीटर की लंबी ओजनी टनल का काम दिसंबर 2024 में प्रारंभ होगा। यमुनोत्री धाम के रास्ते पर 192 करोड़ की लागत से 15 लैंडस्लाइड स्पॉट्स है, वो भी जून 2025 को पूरे होंगे। पहाड़ों का क्षरण रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है। प्रमुख जगह पर बाईपास बनाए जाने पर 70 किलोमीटर की दूरी कम हो रही है। 285 करोड़ की लागत से वृक्षारोपण और बायोडायवर्सिटी पार्क भी बनाए जा रहे हैं। मैं चार धाम में, मुझे बहुत इस बात का अभिमान है कि इस समय जब मैं मंत्री बना उसके पहले लैंडस्लाइड में हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, इसलिए चार धाम मार्ग में हमने इससे काफी बड़े प्रमाण पर इसका अध्ययन करके काम किया है। हमारे देश विदेश की अग्रणी संस्थाओं में मंत्रालय में अनेक बैठक हुई है। टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन IIT रुड़की के साथ हमने करार किया है। लैंडस्लाइड रोकने के लिए विश्व की अग्रणी संस्था
स्विट्जरलैंड से, उन संस्थाओं से मदद ली है और टेंडर कंडीशन में नीतिगत बदलाव किए हैं। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जल्दी ये काम कर सकें। उत्तराखंड में चार धाम यात्रियों को लैंडस्लाइड की सुरक्षा प्रदान करने के लिए 190 जगह पर हम 2530 करोड़ का कार्य केवल लैंडस्लाइड से लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं। इन सभी कार्यों को मार्च 2025 तक हम पूरा करेंगे। मेरा विश्वास है कि इन सब कार्यों को शुरू करके उत्तराखंड की जनता के जीवन को सुसह्य करना हमारी कोशिश है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि हमने पर्वतमाला योजना शुरू की, रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे। अब तो मैं बेंगलोर में डबल डेकर बस 250 लोग हवा में उड़ते हुए जाएंगे वो शुरू कर रहा हूं। आपने हम लोग 260 रोपवे, केबल कार और फेनाकुलर रेलवे का निर्माण कर रहे हैं। मैं आपको एक टेक्नोलॉजी बताऊंगा कि ये ट्रक का और ट्रैक्टर का डाला रहता वैसा पूरा एयर कंडीशन ऊपर में ग्लास लगाकर रेलवे के रूल से ऊपर चढ़ता है 8-10 करोड़ में। ये पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को अभी गोवा में बना है, आप जाएंगे तो वो देख लो, IIT के अपने इंजीनियर से बनाया। मैं कहूंगा कि पहाड़ी के लोगों को उनका जीवन सुसह्य करने के लिए अगर इस प्रकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी, रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, स्काई बस होगी तो उत्तराखंड के लोगों का जीवन बहुत सुसह्य होगा। मैं आपको एक ही चीज मांग रहा हूँ, आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास लक्ष्मी प्रसन्न है, आप जो मांगेंगे वो मैं पूरा करूँ। मैं जानता हूँ पैसा कैसे खड़ा करना। आप एक ही काम करिए, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के क्लियरेंस और लैंड एक्विजिशन का काम करिए। आज मैं यहाँ पढ़ने वाला था आपके कलेक्टर के और फॉरेस्ट अधिकारी के नाम, वो फॉरेस्ट के ऊपर मेरा बहुत गुस्सा है, इन्होंने आपके 10,000 करोड़ के काम लटका कर रखे हैं। अगर आज ये काम क्लियर कर देते तो मैं आज और 10,000 करोड़ रुपए के काम आपके लिए घोषित कर सकता था। आपने मुझे आश्वस्त किया कि आप जैसे ही जाएंगे तो फॉरेस्ट और आपके कलेक्टर को, मैंने उनके फोन नंबर और नाम तक मेरे साथ लेके आया, पर मैं आज उनके नाम नहीं लेता हूं, पर अगले बार अगर नहीं करेंगे तो नाम की लिस्ट पब्लिक के लिए जाहिर करूंगा। तो आप इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करिए और ये काम करिए, मैं 10,000 करोड़ के काम आपको शुरू करके दूंगा। उत्तराखंड में करीब 16,500 करोड़ की लागत से आपके सिफारिश के ऊपर हम 60 रोपवे का निर्माण कर रहे हैं, गौरीकुंड से केदारनाथ 1300 करोड़, 9.7 किलोमीटर, इसमें 10 घंटे का यात्रा समय बचकर 40 मिनट हो जाएगा। गोविंदगढ़ गांगरिया हेमकुंड साहब 1190 करोड़, 12.4 किलोमीटर रोपवे टेंडर फरवरी में हो गया, 3 दिन का यात्रा समय 3 घंटे हो जाएगा। नैनीताल जिले में काठगोदाम बस स्टैंड से हनुमान मंदिर गढ़ी तक 14.7 किलोमीटर का रोपवे प्री रिपोर्ट आया है, जल्दी इसका काम शुरू करेंगे, 2.5 घंटे के बजाय 20 मिनट में जाना हो जाएगा। जोशीमठ से ओली गोसन तक 640 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर लंबे रोप की प्री फिजिबिलिटी का स्टडी हो रहा है। गढ़वाल का ओली गोरसन बिगाल ट्रैक सबसे रोमांचक ट्रैकिंग ट्रेल से वो इसमें है, ये स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है। ये रोप पे आने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गुरु गोरखनाथ चंपावत में रोप पे निर्माण कार्य की मांग की है, मैं उसको मंजूरी दे रहा हूं, ये भी काम जल्दी पूरा हो जाए। CRF में 300 करोड़ रुपए में आपको मंजूर कर रहा हूं और सेतु बंधन में आपके 6 ओवरब्रिजेस रेलवे आरओबी मंजूर कर रहा हूं, गदरपुर दिनेशपुर मटकोटा हल्द्वानी राज्य महामार्ग रुद्रपुर में 120 किलोमीटर के लंबाई, मीटर की लंबाई है 55 करोड़, गदरपुर दिनेशपुर मटकोटा हल्द्वानी राज्य महामार्ग 5 ये 90 करोड़, इसकी 45 करोड़ का, ये दोनों को मैं मंजूर कर रहा हूँ। इंदिरा नगर शनि बाजार मंडीगेट अर्बन रोड नैनीताल ज्वालापुर सराय आकड़ बहादुरचूड़ अम्बूवाला धनपुरा ये डेहराडून रुड़की लक्सर बालावली राज्य राजमार्ग हरिद्वार धर्मपुर चौक से हरिद्वार देहरादून, ऐसे 194 करोड़ की लागत से मैं 6 ROB को मंजूरी प्रदान कर रहा हूं, आप इसका काम जरूर शुरू करिए। 300 करोड़ मैं आपको CRF में बढ़ा कर दे रहा हूं, वो प्रपोजल भेज दीजिए। लॉजिस्टिक पार्क यही बन रहा है, तेजी से काम चल रहा है,
आप जहां जहां भी हमारे नेशनल हाईवे के बाजू में सरकारी जगह देंगे, वहां हम अपने पैसे से आपको पार्टनर बनाकर हम लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, रोपवे, केबल कार के साथ अलग अलग प्रकार के पर्यटन के लिए रोड साइड एमिनिटीज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, गैस स्टेशन और उसके साथ उत्तराखंड का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट आप जरूर बेचिए। आप जहां जहां बोलेंगे वहां जगह होगी, वो हम आपके पर्यटन महामंडल को देने के लिए तैयार है। आप इसका जरूर विकास करिए, यही आपसे मैं अनुरोध करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे आपके साथ आने का मौका मिला। इस देवभूमि के देव जैसे महानुभाव भाई बहनों को हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। आपका आशीर्वाद हमारे साथ ऐसा ही रहेगा, इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की जय।